हम जो लोग हैं वो बहुत ही शानदार, बेहतरीन और कोई भी काम पूरी शिद्दत से करने वाले लोग हैं। जब हमने संग बनाया तो ऐसा संग बनाया जिसको पूरी दुनिया ने अपनाया, यहां तक कि हमारा संग लोग हमसे छीन के ले जाने की कोशिश करते पाए गए। जब हमने धम्म दिया तो ऐसा धम्म दिया जो पूरी दुनिया ने अपना वे ऑफ लाइफ बनाया। जब हमने राज किया तो ऐसा राज किया कि हमने महाभारत बनाया। जब हम पढ़े तो ऐसे पढ़े कि हमारे जैसा कोई नहीं पढ़ पाया। जब हमें एक किताब लिखने का मौका मिला तो ऐसी किताब ठोकी कि उससे बेहतरीन किताब कोई दुनिया में बना नहीं पाया। जब हम साइकिल लेके सड़क पे उतरे तो हमने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि वैसा आंदोलन इतिहास में कोई खड़ा नहीं कर पाया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो काम करते हैं वो पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, और फिर हम ये रिजल्ट भी साथ में देख लेते हैं कि जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो हमारा सारा सब कुछ हमारी आंखों के सामने ढह जाता है। हमने काम करना बंद किया तो हमारा संग चला गया, हमने काम करना बंद किया तो हमारा महाभारत जो है वो अलग हो गया, हमने काम करना बंद किया तो वो जो किताब बहुत बेहतरीन बनी थी उस किताब को हम ठीक से नहीं चला पाए, हमने काम करना बंद किया तो वो जो साइकिल चला चला के एक मूवमेंट खड़ी करी थी वो हमारी आंखों के सामने हमारे जिंदा रहते रहते खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो हम अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो बैठेंगे, हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे। हम जितने भी बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। कोई इस मुगालते में अगर रहे कि मेरे पास बहुत पैसा है या मेरे पास राजपाट है या मेरे पास बहुत शक्ति है तो वो सम्राट अशोक को देख ले। कोई इस मुगालते में रहे कि मेरी तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है या मेरे तो बहुत सारे लोग हैं तो वो करंट एग्जाम्पल देख ले। कोई इस मुगालते में रहे कि संविधान हमको बचा लेगा या संविधान के रहते रहते हम सारी लड़ाई लड़ लेंगे तो वो संविधान को भी देख ले। कोई इस मुगालते में रहे कि हमारा जो संघ है पुराना वो चल रहा है और वो रिवाइव हो चुका है और इस संघ के रहते रहते हम बच जाएंगे, तो वो इस बात को ध्यान रखे जब तक इस संघ के लिए हम काम नहीं करेंगे ये संघ आगे नहीं बढ़ेगा। इस संघ को बढ़ाने के लिए हर इंडिविजुअल को काम करना पड़ेगा। समण संघ एक ऐसी इमारत है जिसमें आज हम ईंट पत्थर गारे का काम करेंगे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स अगर आज इस संघ को देंगे तो ये हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग तैयार करेगा जो हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी। आज की तारीख में अगर आप समण संघ को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एज ऑफ नाउ समर संघ के चार जो बहुत मजबूत पिलर हैं वो चार पिलर ये हैं कि संघ में कभी कोई पैसे की बात नहीं होती, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता। क्योंकि पैसे का लेन देन अगर हो रहा होता या पैसे के लेन देन से या चंदे से या पर्ची से या धंधे से या पैसा इकट्ठा करने से या पैसा बांटने से अगर हम लोग बच रहे होते या हम लोग मजबूत हो रहे होते तो हमारे जितने भी महापुरुष, हमारे जितने भी बाप दादा रहे हैं वो पैसे पे काम करते, वो लोगों पे काम ना करते। इसलिए जो समर संघ का एक बहुत मजबूत पिलर है वो पैसा ना लेना और ना देना है। दूसरा जो मजबूत पिलर है वो है कि समर संघ में कोई नेता नहीं होता। अगर आप अपना इतिहास उठा के देखेंगे, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है, जब से हम लोगों ने एजुकेशन अटेन करनी शुरू की है, जब से हम लोग जो है खुद से अच्छा करने लगे हैं, अपने लिए अच्छा करने लगे हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा करने लगे हैं,
तब से हमारे हाथ में एक चीज पकड़ा दी जिसको बोल दिया संगठन, वो संगठन में एक नेता पकड़ा दिया और उस नेता ने हमारा बंटा धार कर दिया। रीसेंट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि एक नेता के पीछे जब आप गए तो हम खत्म होने की कगार पे फिर से आ गए। ऐसे ही जब जब आप नेता के पीछे जाएंगे तो खत्म होने की कगार पे बार बार आएंगे। तो ये बीमारी भी संघ से निकाली और इसको संघ का एक मजबूत स्तंभ बनाया गया। चौथा जो पिलर है संघ का, वो चौथा पिलर है कि यहां पे कोई जाति की बात नहीं होती। जब हम सारे ही समण हैं और काम जुड़ने का है तो इसमें जाति क्या करेगी, इसमें आप और हम करेंगे जो करना है। आप समण, मैं समण, वो समण, ये समण, मेरी बहन समण, मेरा भाई समण, और हम समण समण सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम जुड़ जाएंगे, हम बहुत मजबूती से इस इमारत को बना देंगे। चौथा जो पिलर है, उस चौथे पिलर में से ये बीमारी निकाल दी कि जात की कोई बात होगी। फिर सॉरी तीसरा पिलर था ये, जो चौथा पिलर है वो चौथा पिलर है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि संघ जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली इमेजिनेशन है। वो इतनी शक्तिशाली इमेजिनेशन है कि बाकी जितनी भी तंत्र चलाने वाली चीजें हैं वो संघ के पैरों के नीचे आके खड़ी होती हैं। राजनीति भी उनमें से एक है। संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा और संघ कभी राजनीति में जाना भी नहीं है। संघ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो समण संघी हैं, वो राजनीति में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, क्योंकि जैसे संघ के लोग एजुकेशन का काम कर रहे हैं, जैसे संघ के लोग मेडिकेशन का काम कर रहे हैं, जैसे संघ के लोग बाकी सारे काम कर रहे हैं, ऐसे ही संघ के लिए राजनीति भी एक अदनासा मोहरा है। और अगर संघ के कुछ लोग जाके वो काम करना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए, वो करना चाहिए, पर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। संघ ने इस बीमारी का भी इलाज किया है, इस बीमारी को खत्म किया है, और राजनीति में ना जाना संघ का चौथा बहुत मजबूत स्तंभ है। इन चार पिलर्स पे संघ खड़ा होता है। इन चार पिलर्स पे खड़े होने के लिए जो मटेरियल इस बिल्डिंग में नीचे चाहिए, वो मटेरियल संघ खुद जुटाता है, वो मटेरियल संघ के लोग खुद देते हैं। अब वो मटेरियल क्या है? संघ का वो मटेरियल ये है कि संघ की जहां जहां बैठक होगी उसमें अपना खर्चा खुद देंगे, अगर खर्चा देना पड़ता है तो, वरना अपनी रोटी लाएंगे, अपने भाई के साथ बांट के खाएंगे। संघी जहां होगा वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा, हर समय संघ की बात करेगा। ये संघ में जो नीचे लगने वाली ईंट रोड़ी गाड़ा है ये उसका काम करते हैं। संघी कहीं भी किसी शहर में रहने जाएगा, रुकने जाएगा, तो जिस भी समर संघी के घर रुकेगा उसको एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट दे के आए, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो कहीं आप होटल लेते हैं, कहीं आप सराय लेते हैं, कोई धर्मशाला लेते हैं। वो सराय, होटल, धर्मशाला में पैसे देने से अच्छा है कि आप अपने समण भाई के साथ रुको, समण संघ को बढ़ाने के बारे में थोड़ी चर्चा करो, जितने लोगों से जुड़ सकते हो जुड़ो और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट उसको दे के आओ, तो उससे उस भाई का हौसला बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट आपकी आंखों में बनी रहेगी और आप संघ का एक और काम करके आओगे। जहां समर संघी जाएंगे, किसी बैठक में जाएंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी इवेंट में जाएंगे, अगर आपकी गाड़ी में पांच की सीट है और एक की गाड़ी है तो पांचों समर संघी उन पांचों सीटों का खर्चा बांटेंगे, क्योंकि संघ में सब अपना खर्चा खुद देते हैं। आप जब उस खर्चे को बांटोगे तो आपकी निगाह ऊंची रहेगी, जब आपकी निगाह ऊंची रहेगी तो आप अगली बार अपने समण भाई से कह सकते हो कि भाई चलो जरा वहां चलना है, तो आपके आने जाने की रफ्तार बढ़ेगी, आपके मूवमेंट से जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो मूवमेंट मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट होगी। जब जब भी संघ की बैठक लगेगी तब तब संघ के सारे जने एक साथ बैठेंगे, गोले में बैठेंगे, मंचमाला स्टाइल में, माइक स्टाइल में नहीं बैठेंगे, क्योंकि सब जब बराबर हैं
तो सब बराबर ही बैठेंगे। अगर कहीं पे गद्दा है तो गद्दे पे बैठेंगे, चादर है चादर पे बैठेंगे, फर्श पे बैठना है फर्श पे बैठेंगे, और जो है घास पे बैठना है घास पे बैठेंगे। अब उस बैठक में चाहे कोई समण संगी साइकिल से आ रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर से आ रहा है, चाहे गाड़ी से आ रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब वो संघ की शरण में आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समण संगी होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं होता। तो ये जो छोटे छोटे काम हम कर रहे हैं और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये इस इमारत में ईंट गारे का काम करेंगे। और हम आज जितने भी लोग यहां पे काम कर रहे हैं, शायद हम लोगों को कोई नहीं याद रखेगा, शायद हम लोग खत्म हो जाएंगे, कोई पूछने भी नहीं आएगा, शायद हम लोगों की कोई जान पहचान भी नहीं होगी। लेकिन जो काम अपने को सेक्रीफाइस करके आज हम कर जाएंगे, उसके रिजल्ट्स इतने 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 चमत्कारी आने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते। उसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा चमत्कारी आएंगे कि आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे, आपके बच्चे आपको ये बोलेंगे कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए ऐसा काम किया है कि हमें अब सदियों सदियों तक किसी और के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, कोई हमें ललकार नहीं सकता, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमें लताड़ नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हमको सबको काम करना पड़ेगा। यहां कोई अगर ये सोचे कि मेरे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा तो नहीं, यहां पे भाला लेके तलवार लेके बंदूक लेके डंडा लेके सड़क पे नहीं उतरना है संघ संघ को बढ़ाने के लिए या अपने संघ की लड़ाई लड़ने के लिए। यहां पे जो काम करना है वो अपने घर में बैठे बैठे करना है। संघ के जो नियम है वो मानते चले जाना है और सारे काम ऐसे हो जाएंगे जैसे धारा में नदी बहती चली जाती है, क्योंकि संघ जो है वो नियम ही है। आप वो सारे नियम जो संघ बनाता है, जो संघ देता है, संघ बढ़ाता है, वो माने उन पे चले तो संघ का काम होता है। अगर आप वो सारे नियम ना माने ना चले तो संघ का काम नहीं होता, क्योंकि ये जो सारे नियम होते हैं, एक तो ये नेचुरल लॉस पे बेस्ड है, सारे के सारे नियम नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल नियम नहीं है। और जितने भी नियम हैं वो एक चर्चा के बाद जब संघ अपनी संगत बैठता है और हाउस लगता है संघ में, उसके बाद लाए जाते हैं। तो इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है, और अगर कोई गलती फिर भी रह जाती है तो उस गलती को ठीक करने का अधिकार भी, उस गलती को ठीक करने की ड्यूटी भी संघ की है। जब संघ अपना हाउस दोबारा लगाएगा तो कर लेगा, लेकिन जो नियम है उनको मानना हर संघी की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन नियमों को माने, क्योंकि जब हम नियम को मानेंगे तभी हम संघ को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जा सकते। इसलिए जब नियम मानेंगे और नियम से जुड़ेंगे, ये जो काम होता जा रहा है हमारे महापुरुषों की विचारधारा बढ़ाने का, वो विचारधारा बढ़ाने का काम बहुत सालों से हुआ, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो सारा काम रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो नियम ओरिएंटेड नहीं है, वो संघ ओरिएंटेड नहीं है। जब काम नियम ओरिएंटेड होगा, काम नियम से चलेगा, काम संघ से चलेगा, तब उसके रिजल्ट आएंगे। अभी तक तो किसी ने संघ का काम किया नहीं, क्योंकि संघ का काम करने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना होता है, अपना टाइम देना होता है, अपनी एनर्जी देनी होती है, अपना ईगो सेक्रीफाइस करना होता है, अपनी लीडरशिप सेक्रीफाइस करनी होती है, अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। यहाँ तक भी यहाँ बहुत सारे समर संगी ऐसे हैं जो दिन रात लगे पड़े हैं, उन्होंने अपनी फैमिली भी सेक्रीफाइस कर दी। तो जब आप बहुत सारा सेक्रीफाइस करेंगे तब आप संघ को बढ़ा पाएंगे, जब आप छोटी छोटी चीजों को बार बार सेक्रीफाइस करेंगे तब आप संघ को मजबूत कर पाएंगे। और ये सेक्रीफाइस करना, नियम से सेक्रीफाइस करना, संघ के लिए सेक्रीफाइस करना, यही संघ को आगे बढ़ाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अपनी अपने परिवारों को सेक्रीफाइस कर दें, सेक्रीफाइस करने का मतलब ये है कि उनको टाइम कम दे दें। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अपना पैसा सेक्रीफाइस कर दें, सेक्रीफाइस करने का मतलब ये है कि दो पैसे कम कमा लें। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस कर दें, सेक्रीफाइस करने का मतलब ये है कि कम नींद ले रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। नहीं, आप अपना फोन का टॉक टाइम सेक्रीफाइस कर दो, थोड़ा सा इंटरनेट सेक्रीफाइस कर दो, थोड़ी सी अपनी एनर्जी सेक्रीफाइस कर दो, बात कर लो संघ के बारे में,
थोड़ा सा अपना जो है टाइम सेक्रीफाइस कर दो कि संघ को टाइम देना है, थोड़ा सा अपना बुद्धि को सीधे लेके चलें कि संघ ने जो बता दिया है वही करना है, क्योंकि संघ सारे काम नेचुरल बताता है, नेचर के अलावा कुछ नहीं बताता। अब 14 अप्रैल आने वाली है, संघ का जो काम है वो इकट्ठे होके सारे काम एक साथ करने करने का है। जब संघ का काम ही एक साथ करने का है, संघ का काम ही एक है, तो 14 अप्रैल हम अलग अलग क्यों मनाएंगे? हम 14 अप्रैल भी तो साथ साथ ही मनाएंगे ना, हर शहर में एक मनाएंगे, सबसे बड़ी मनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में एक मनाएंगे। जब हम एक 14 अप्रैल मनाएंगे तो आप विश्वास रखना, आप 14 अप्रैल 2022 को ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, हर शहर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक 14 अप्रैल मनाना, उस तरह से मनाना जैसे संघ मनाता है। अपनी नजरें ऊपर उठा के रखना, अपनी रोटी खुद लाना, अपना खर्चा खुद उठाना, आप विश्वास मानना, ये काम जो आप 14 अप्रैल 2022 को करोगे, इसके रिजल्ट्स इतने जो है तिलस्मी होंगे, इतने चमत्कारी होंगे कि आप सोच नहीं सकते कि उसका इम्पैक्ट कितना भारी जाएगा। तो जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल हर शहर में एक मनाएंगे, अपनी रोटी संग लाएंगे, अपने भाई बहन से बांट के खाएंगे, सबसे बड़ा मेला लगाएंगे, अपने भाई बहन से जुड़ के दिखाना है, मेहनत का पैसा हमें बचाना है, अपना अपना खर्च खुद उठाना है, पर्ची काटने वाले को घर से भगाना है, समन संघ को घर घर पहुंचाना है। जब अपना काम ईमानदारी से करेंगे, जब अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, हर जगह हर समय समण संघ की बात कर रहे होंगे, अपना अहंकार लालच पीछे छोड़ के एक साथ आगे बढ़ रहे होंगे, तब सही मायने में हम अपने बाप दादाओं का काम कर रहे होंगे, तब मानी जाएगी वो जयंती, वो जन्मदिन, वरना भैया जैसे आज तक मर रहे हैं आगे भी ऐसे ही मर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sendu Sirunu Gacchami.
Sangam Sarnam.